फॉरेस्ट की नेशनल स्पोर्ट्स मीट पंचकुला हरियाणा में चल रही प्रतिस्पर्धाओं में राजस्थान फॉरेस्ट का परचम फिर लहराया। महेंद्र शर्मा, उमा सिंह के बाद सुरेश गुप्ता ने वेटरन कैटेगरी स्क्वैश में जीता रजत। हॉफ डॉक्टर डीएन पांडे की मौजूदगी से बड़ा प्रतिभागियों का मनोबल। रामगढ़ विजदारी में बागिन आरवीटी 2 के शावक होने की अपुष्ट खबर। आधिकारिक तौर पर फिलहाल कोई पुष्टि नहीं। रणथंबोर से रामगढ़ और मुकुंदरा भी कुछ और बाग शिफ्ट करने की चल रही तैयारी। फील्ड डायरेक्टर सेडूराम यादव ने दी जानकारी। फिलहाल हाड़ौती के दोनों टाइगर रिजर्व में 4 बाग। आरवीटी 2 के शावकों की पुष्टि होने के बाद बढ़ जाएगा कुनबा। हाथियों व जीव दया पर आधारित शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स को मिला डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ऑस्कर। डॉक्यूमेंट्री ने बढ़ाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान। मध्य प्रदेश के गांधी सागर बर्ड सर्वे 2023 में मिली पक्षियों की 215 प्रजातियां। सर्वे में पहली बार दिखा ब्लैक बेलीड टर्न। सत्तर साल बाद भारत के जंगलों में हो सकेंगे चीतों के दीदार। चीता आशा और ओबान को कूनो के जंगल में स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ दिया गया है। 70 साल बाद पहली बार चीते भारत के जंगल में आजाद होकर घूम रहे हैं। इन दोनों को देखने के बाद अन्य चीतों को जंगल में छोड़ा जाएगा। जयपुर के जमरामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रायसर रेंज में तेंदुए को करंट से मारने के आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। रेंजर रामकरण मीणा की टीम ने निभाई थी आरोपियों को पकड़ने में अहम भूमिका। कर्मियों ने एक बार फिर उठाई गश्त के दौरान स्वयं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग। गौरतलब है कैटल गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, वनपाल तक के फ्रंट लाइन स्टाफ केवल लाठियों डंडों के सहारे जंगलों में गश्त करने को मजबूर। वहीं अवैध खनन रोकने पर भी वन कर्मियों को बना रहता है खतरा। वन विभाग राजस्थान के मुखिया हॉफ डॉक्टर डीएन पांडे के ऑनलाइन क्विज में लोग ले रहे बढ़ चढ़ कर हिस्सा। इससे पहले भी डॉक्टर पांडे का डिनर फॉर विनर क्विज भी रहा था बेहद पॉपुलर। ऑनलाइन क्विज के माध्यम से लोग हो रहे जागरूक। राजस्थान वन विभाग के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरिंदम तोमर और एसीएस शिखर अग्रवाल की मुहिम ला रही रंग। प्रदेश के प्रस्तावित 5वें टाइगर रिजर्व के लिए गठित की कमेटी। धौलपुर होगा प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व। बाड़मेर के बेटे ग्रीनमैन के नाम से मशहूर साइकिलिस्ट नरपत सिंह ने बढ़ाया प्रदेश का मान। एक ही देश में सबसे लंबी साइकिल यात्रा करके बनाया विश्व रिकॉर्ड।